एक हैप्पी अनाउंसमेंट ये है कि सनशाइन, जिसको तो आप जानते ही हो, ये अपने फॉरएवर होम जा रहा है दानिया जी के पास दिल्ली में, और साथ में सलोनी है। सलोनी जब से सनशाइन आया था तब से सनशाइन को अपने घर पे फॉस्टर कर रही थी, और फुल ऑन अटैचमेंट हो गई है दोनों को। तो अभी सलोनी से पूछते हैं, हाउ इज शी फीलिंग? मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसको घर मिल गया है, तो मतलब लाइक उससे बड़ी तो खुशी की बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सनशाइन। ये जो बच्ची भौंके जा रही है, ये पटोला है जो कि भीड़ से आई थी, इसका एक्सीडेंट हुआ था। जो पिछली टांग थी ये फ्रैक्चर थी, और इसके ऊपर फिलिंग सर्जरी की गई थी जब पालमपुर हम इसे लेके गए थे। तो सर आप अब बताइए इसका अपडेट क्या है? पिन रिमूव कर दिए गए हैं और ड्रेसिंग भी कर दी गई है, और एक महीने बाद इसका रीचेक होगा, उसका देखा जाएगा कि कितनी हीलिंग हो चुकी है। हमारे यहाँ पे रेस्क्यू हीरोज हैं, ये हमारे रविंदर भाई जी हैं, ये हमारे साहिल भाई जी हैं, ये हैं हमारे नवीन भाई जी। नवीन भाई जी इधर देखो, ये हैं हमारे अमन जी। ये मुझे लगता है हमारा फास्टेस्ट रेस्क्यू है। साहिल भैया बता रहे हैं कि ये 5 मिनट में रेस्क्यू हो गया था बुल। क्यों साहिल भाई? हाँ, इसको डायरेक्ट हम रस्सी डाल के, हम तो क्या मतलब साहिल भाई और जो हमारे रेस्क्यू हीरोज है वो अलग बात है कि हमारी गाड़ी फंस गई थी। पर ये बुल जो है ये आया है गगल एयरपोर्ट के सामने से, और इसको सींग पे चोट लगी है, और ऐसा लग रहा है क्योंकि पट्टी बंधी हुई है इसकी सींग के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि इसको इसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई है पहले भी। और ये प्यासा था, सबसे पहले पानी पी रहा है बेचारा आके। देखिए मैं बहुत ही जोखिम भरा काम करने जा रही हूँ, इस बुल का आपको एक सींग दिखाने वाली हूँ जहाँ पे इसको ओह माय गॉड चोट लगी है, वो देखिए। मेरे ठीक पीछे है ब्रूनो भाई साहब, ये हमारे पास मैगेट वुंड के साथ आए थे। यहाँ सर के ठीक ऊपर इनका मैगेट वुंड था, और ये आए थे मंडी से। अब ये पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तुति ब्रूनो वापस कहाँ रिलीज हो रहा है? मंडी। मंडी में जाएंगे ये भाई साहब, क्या बात है। हैप्पी जर्नी ब्रूनो।